फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल इज वॉट सो देखिए यहाँ पर यू आर एल की फुल फॉर्म पूछी गई है आईसीटी यूनिट से ये क्वेश्चन है एंड आप सभी स्टूडेंट्स ने ये इस तरीके के लिंक्स जरूर देखे भी होंगे कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर जरूर किए होंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस लिंक को यू आर एल कहा जाता है ओके सो एग्जाम में यू आर एल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है जो की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ओके तो जो भी रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए जो लिंक बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अब यहाँ पर इसके फुल फॉर्म में या इसके एक एग्जाम्पल में आपको एच टी टी पी लिखा हुआ नजर आ रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में आती हैं अगला सवाल है डिडक्टिव थियोरी इज वन दैट अलाउज इन्वॉल्व यूज इज वट सो देखिए सिंपल सी चीज है कि आपसे निगमनात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा है ठीक है सो

अगला है क्वालिटेटिव मेथड वेन एवर इज पॉसिबल सो ये क्वालिटेटिव मेथड है ऐसा बोला गया है सो so, देखिए हम लोगों ने डिडक्टिव और इंडक्टिव को डिटेल में पढ़ा था पहले आती है इंडक्टिव थ्योरी जिसमें कि हम थ्योरी को डेवलप करते हैं इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं एंड जो भी थ्योरी डेवलप की हुई होती है जो भी नॉलेज हमने इंडक्टिव से इकट्ठा किया होता है उसको टेस्ट करने की जब बारी आती है तो हम जाते हैं डिडक्टिव थ्योरी की ओर। सो एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओके आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर एग्जामिनेशन से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है हंड्रेड में से इजिली एटी प्लस स्कोर करने में सिर्फ यही कोर्स आपको मदद करेगा क्योंकि यहाँ पर हम आपके लाइव लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल है टू प्लस एमसीक्यू है जहां पर सभी स्टेट्स

ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो एंड टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे जो की हर एक यूनिट वाइज हमने प्रिपेयर किए हैं स्टूडेंट्स एग्जाम का क्या लेवल है क्या पैटर्न है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से ही ये कोर्स बनाया गया है जिसमें आपको मेरे वीडियो के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इस चीज की अभी मैं आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी देती हूँ ये एमसीक्यूज है इनको भी साथ साथ अगर रिवाइज करते रहोगे तब तो आपको इजिली एटी प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आप गिवन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें रिसर्च गुड रिसर्च इज लॉजिकल इसमें कहा है कि अच्छा शोध तार्किक होता है अब देखिए आपने शुरू से ही हमने पढ़ा है कि रिसर्च बोलता है कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो कितना एक्टिवली सोच सकते हो तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है गुड मतलब so, अच्छा रिसर्च तभी होता है जब हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर काम करें तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है गुड रिसर्च इज रेप्लीकेबल यानी कि अनुकरणीय होता है एक अच्छा रिसर्च और इसमें बोला है इज रेप्लीकेबल रेप्लीकेबल होता है थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूज अगर हमें अः एक ही टेस्ट को दो बार करना पड़ जाए रेप्लीकेबल हो सकता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री भी गलत है सो करेक्ट आंसर है इेप्लिकेबल यानी कि नॉट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स यूजिंग दी कोड्स गिवन बिलो ओके सो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है आईएफएससी इज 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड आईएफएससी कोड आप लोगों ने बैंक में ट्रांजैक्शन की है ठीक है वहां पर आईएफएससी कोड मांगा जाता है इसमें बोला है कि इलेवन करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड इसमें नंबर्स भी होते हैं ओके okay, सो so ये है अल्फा न्यूमेरिक कोड दूसरा है एम एक नाइन डिजिट न्यूमेरिक कोड होता है एम जो है आपने बैंक में कभी चेक देखे होंगे तो उसमें ये टर्म को यूज किया जाता है कि एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं पहले देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है आई एफ एस सी में इलेवन कैरेक्टर है एम आई सी आर में नाइन कैरेक्टर है आई एफ एस सी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एग्जाम में आ सकता है एम आई सी आर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कुछ भी बोल सकते हो दोनों सही हैं लेकिन अगर दोनों आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो रिकॉग्निशन पे जाइएगा ओके अब देखिए ये है एम आई सी आर इस तरीके से जो कोड लिखा होता है नीचे ये एम आई सी आर होता है और आई एफ एस सी कोड चेक में यहां पर भी लिखा होता है और आपकी पासबुक में भी लिखा हुआ होता है ओके आगे है दी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर थाउजेंड ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच नंबर ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरीज आर व्हाट सो देखिए हजार ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप मिलनी थी जिसमें कि एससी और एसटी कितने स्टूडेंट्स से ये पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं सो so, इसमें करेक्ट आंसर है 150 एससी स्टूडेंट्स थे और 75 एसटी ST स्टूडेंट्स थे बाकी के जनरल स्टूडेंट्स थे अब लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें ये देखिए जैसे 2022 का सवाल है तो ये आई थिंक 2021 का डेटा है लेटेस्ट डेटा में टोटल 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था ठीक है जिसमें से कि 15 परसेंट स्कॉलरशिप एस कैटेगरी की थी ठीक है 7.5 एसटी एस टी कैटेगरी की थी 27 परसेंट बैकवर्ड क्लासेस की 4 परसेंट जो है वो बाकी के डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किया गया था नेक्स्ट इज इन लेक्चर सेशन इफ द टीचर इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ ऑफ अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी दी एक्शन द टीचर अब देखिए आप मुझसे कुछ सवाल मान लीजिए पूछ रहे हो मैं उसका आंसर नहीं दे पाई ऐसे में एक अप्रोप्रिएट आंसर मेरा क्या होना चाहिए मैं ये तो नहीं बोलूंगी आपको कि मैंने बताया था छोड़ दो ये वो ऐसे नहीं बोलेंगे इसमें वही पूछा है कि एज अ टीचर आपको अप्रोप्रिएट आंसर क्या देना चाहिए शी शुड से

उनसे माफी मांग लेना कि भाई माफ कर दो मुझे इसका आंसर आंसर नहीं आता। करेक्ट so, क्या होगा? होगा यही कि आप एज अ टीचर बच्चों को ये बोल सकते हो कि अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं पता मैं डिस्कस करके या चेक करके आप लोगों को बाद में बता दूंगी तो ये एक बेस्ट आंसर होता है एज अ टीचर पूछा गया है सो मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया था बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग या, या फिर या फिर ओजोन लेअर सो मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड होता है ओके okay? वैसे ही अगर आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इन दोनों के लिए बनाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है एंड होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को कि बताइए बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है कौन सा नियम बनाया गया है अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं सो so स्टूडेंट्स आपको जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिए नहीं अगर अभी तक वो वीडियोज मिली हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर सारे सेशन अवेलेबल हैं अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट सीरीज। सो देखिए इस क्वेश्चन में जहां पर क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ढूंढना है एंड आपके रेफरेंस के लिए ये वैल्यूज दी गई हैं। तो अब देखिए जो गिवन वैल्यूज होती है ना उनके बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है अब सोलह और पच्चीस के बीच में क्या रिलेशन है कि इनमें नाइन का डिफरेंस होता है वैसे ही आपको क्या करना है चार और एक के बीच में भी रिलेशनशिप ढूंढना है तो क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में तीन का डिफरेंस आता है सो करेक्ट आंसर है थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2005 करिकुलट सो एन सी एफ जो था 2005 वो किस चीज पर फोकस रखता था यानी 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 कि 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 बच्चों को रट्टा मारना सिखाया जाता था. डरावना, खतरनाक और मुश्किल पेपर सेट करना. Making examination more flexible and कि easy paper बनाना जिसको बच्चे अटेम्प्ट कर सके और डरावना ना हो वो खतरनाक ना हो डिस्कटिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल ठीक है कि लाइफ जो है स्कूल से बाहर भी है उस चीज का डिस्कनेक्शन यहाँ पर बताना सो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थ्री है कि बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बोला गया था कि एग्जाम ऐसा हो कि लगभग हर बच्चा एटलीस्ट पास तो हो कि किसी ने थोड़ा भी पढ़ा हो तो वो पास होने चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए डरावना या खतरनाक पेपर नहीं होना चाहिए ठीक है इट इंक्लूड चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड फीलिंग वैल्यूड एंड हिर्ड एन 2005 में यही बोला है कि एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे का पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बढ़े कि वो ऐसा ना समझे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है क्लास में आपको हर बच्चे की बात सुननी है स्कूल एंड करिकुलम मस्ट क्रिएट अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवेंट एंड मेक द स्टूडेंट्स फील सेफ एंड अप्रिशिएटेड यानी कि हर बच्चा अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उनको डांटना नहीं है प्यार से समझाना है और स्टूडेंट्स के फिजिकल मेंटल एंड सोशल ग्रोथ इन तीनों क्राइटेरिया इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है ये सब एनसीएफ में कहा गया था

एक्चुअल वैल्यूज है उन पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा उनको मजाक के तौर पर रखा जा रहा है तो ऐसे में एक्सीलेंट एजुकेशन वही होगी कौन सी होगी एक्सीलेंट एजुकेशन जो समाज में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देती है कंपटीशन को बढ़ा देती है वर्क्स फॉर रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यू यानी कि मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को जो बढ़ावा देती है अनेबल्स वन टू अर्न इन एन इजी मैनर किसी को आसानी से सीखने में मदद करती है या फिर समाज में सामाजिक परिवर्तन को धीमा कर देता है, है, so, बहुत आसान है। That is option number two. जो कि और कल्चरल वैल्यूज को भी एस्टेब्लिश करने में मदद करे ऐसी एजुकेशन अगर स्कूल में दी जाएगी तो उसको एक्सीलेंट एजुकेशन माना जाएगा अगला है विच ऑफ दॉडी और बॉडीज आर प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही पढ़ा था लाइव क्लास में सो so, एक कौन कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती है कौन कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है ठीक है एक तो नैक होती है एन ए ए सी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एकशन काउंसिल ऑप्शन नंबर थ्री सही है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं बीटेक और ये सब उनके क्रेडिट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और यूजीसी भी हमने पढ़ा था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वन टू एंड थ्री अगला सवाल है आईसीटी से रिलेटेड एफ स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल फाइल ट्रांजिट प्रोग्राम या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो देखिए कभी भी अगर आईसीटी में ऐसे फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है और लास्ट में पी होगा तो डायरेक्टली आप प्रोटोकॉल समझ लीजिए तो ये प्रोग्राम वाले तो गलत हो जाएंगे प्रोटोकॉल वाला आपका ऑप्शन सही होगा ठीक है तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटी क्या करता है अगर इंटरनेट के थ्रू हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी मैसेज भेज रहे हैं कोई भी फाइल भेज रहे हैं कोई भी सॉन्ग वीडियो भेज रहे हैं तो वो फाइल्स को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल है जो नियम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एफ करता है फुल फॉर्म ऑफ न्यूज पेपर डी एन एज वॉट सो डीएनए एक तो देखो साइंस में टर्म आती है ठीक है लेकिन यहाँ पर न्यूज पेपर के डीएनए की बात की गई है सो so ये है डेली न्यूज

देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताती कोई भी मैगज़ीन अगर आप देखते हो हर एक मैगजीन में आठ डिजिट का एक सीरियल नंबर होता है जो कि उस मैगजीन को यूनिकली आईडेंटिफाई करने में मदद करता है जिसको आईएसएसएन कहा जाता है ये देखिए कोई भी मैगजीन है कोई भी बुक है यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा आईएसएसएन अभी भी कोई बुक अगर आपके पास है उसमें चेक कीजिए ये जरूर आपको मिलेगा ही अगला सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोशन ऑफ द कंट्री कौन सा इनमें से जरूरी नहीं है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर एनआरसीवीई एंड जनशाला ठीक है ये दोनों आपके ओपन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है रेडियो भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है ज्ञान दर्शन भी है एकलव्य भी है लेकिन ये दोनों नहीं है कार्बन मोनोक्साइड इज हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज कार्बन मोनॉक्साइड किसी के लिए हानिकारक क्यों होती है क्या ये किडनी खराब करती है हमारे बॉडी का पीएच लेवल बदल देती है इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन इन ब्लड हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है ठीक है उससे ये कंपीट करती है या फिर इट इज कार यानी कि कैंसर कार्य होता है सो करेक्ट आंसर है कि ये हमारे बॉडी के ब्लड से जो जुड़ी हुई चीजें होती है उसको नुकसान पहुंचाती है अगला है हीकीज बेंगोल गैजेट इज ऑल्सो नोन एज सो so ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर ठीक है ये क्या है इनको हम जेम्स ऑगस्टस ही की है इनका पूरा नाम जो कि बंगाल से थे ये आपके इंडियन फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से भी प्रसिद्ध है अगला सवाल है ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड देखो अमेरिका में इसमें बोला है कि जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो टैलेंटेड है यानी कि ये ऑल मतलब ए वाली स्टेटमेंट है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने ये पढ़ा है अगला है सम इंडियन साइंटिस्ट आर इन अमेरिका सम सम का मतलब क्या होता है आई सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका तो हमें इनका निष्कर्ष ढूंढना है नन ऑफ दी ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये साइंटिस्ट है जितने भी साइंटिस्ट हैं ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड ठीक है जितने भी साइंटिस्ट अमेरिका में काम कर रहे हैं वो सब क्या हैं? वो टैलेंटेड हैं। so, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ इतने से साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं ठीक है अब आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया अब इसके बेस पे हम आंसर ढूंढेंगे सो so, देखिए नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड अब इसमें बोला था कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो टैलेंटेड भी होते तो हैं काम कर रहे हैं ना अमेरिका में तो इसका मतलब इंडियन साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट ये टैलेंटेड है। है। वाले हैं सही है हमने अभी इसमें बनाया तो ये स्टेटमेंट सही होगी ऑल टैल इंडियन जितने भी

तो so, ऐसे वेन डायग्राम को दो चार पांच क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग उसके बाद इजीली आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे ठीक है अगला सवाल है द टाइप ऑफ स्टडी विच इज लूजली स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइन टू एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक एंड प्रोवाइड इन साइट इज वो कौन सा ऐसी स्टडी है जिसके जो वेरिएबल्स है या नॉलेज है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है एक दूसरे से बहुत डिपेंडेंट नहीं है ठीक है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपनी समझ को ये बढ़ावा देने में मदद करते हैं तो ये क्या होते हैं ये होते हैं एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण रिसर्च ये होती है अगला सवाल है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू सी इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी इक्वल्स टू टू सी अगला है सी प्लस डी इक्वल्स टू टू ए तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है इन सबको जोड़ देना प्लस बी प्लस सी प्लस डीवल्स टू टू सी प्लस टू ए राइट अब देखिए यहाँ पर c भी है a भी है यहाँ पर भी c और a है जब हम इनको उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो यहां पर बाकी रह जाएगा b प्लस डी टू सी माइनस सी प्लस टू ए माइनस एके बेसिक मैथ्स है टू सी प्लस ए तो आंसर क्या आ गया बी प्लस डी इक्वल्स टू सी प्लस ए तो ऑप्शन नंबर वन है सही आंसर ठीक है समझ गए इन सम लैंग्वेज एग्जाम को हम ये बोलते हैं सेम लैंग्वेज में रिजल्ट को क्या कोड दिया जाएगा सो so, इसके लिए डायरेक्ट रूल बताती हूँ देखो एग्जाम में ई e में अगर एक जोड़ेंगे तो एफ आ गया x में एक जोड़ेंगे y आ गया a में एक जोड़ेंगे b आ गया m में एक जोड़ेंगे n आ गया तो एग्जाम में एक एक नंबर जोड़कर एक एक अल्फाबेट आगे जा करके ये टर्म बनती है तो सेम पैटर्न रिजल्ट में फॉलो होगा आर में अगर एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग ठीक है सो कुछ सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके आपको बताना है कि कहाँ पे वो है Space, of 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 so, पर जाते हैं। इस चीज का देखिए पेट्रोलियम वाला बहुत फेमस था कि ये देहरादून में है यहाँ पर कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज में भी आया था तो इसी से आप करेक्ट आंसर को थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे ठीक है एक्सलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ठीक है देखिये अठारह सो सत्रह में ये बोला गया था कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय है उनमें एक्सेलेंस को फॉलो किया जाएगा ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था ये पूछा गया है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दट इज प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी सी यूनिवर्सिटी अब एग्जाम ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिंस 1817 ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य था ठीक है अब बताइए कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है इसकी लोकेशन क्या है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया है इसको चाहे गूगल पे सर्च कीजिए कुछ भी कीजिए पर इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए इससे क्या होगा आप बोलोगे कि गूगल सर्च करके क्या फायदा तो जब पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा ना फिर आपको याद आएगा कि गूगल सर्च किया था कमेंट किया था तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा तो आपको और आसानी हो जाएगी एग्जामिनेशन में ठीक है अगला सवाल है फॉरेनर्स इन चाइना विदाउट वैलिड वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड चाइना में जो फॉरेनर्स हैं जो कि बिना अपने वर्क परमिट के काम कर रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाता है फ्यू इंडियंस एम्प्लॉयज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना डू नॉट पोजेस वैलिड वर्क परमिट तो इसमें बोला है कि इंडिया के भी कुछ इंप्लाइज ऐसे हैं जो चाइना की किसी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनके पास कोई वैलिड वर्क परमिट है ही नहीं ठीक तो है तो इससे सही स्टेटमेंट क्या ढूंढनी है इसमें बोला है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाइना में जितने भी इंडियन है उनको वापस भेज देंगे ऐसा तो नहीं है जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ होगा उनको क्यों वापस भेजेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है अगला है अ फ्यू इंडियंस इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड बिल्कुल सही यही वाली स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है बल्क ऑफ द इंडियंस इन चाइना विल बी डिपोर्टेड बहुत सारे वापस भेज दिए जाएंगे ऐसा तो नहीं है हो सकता है सिर्फ दो चार ही हो बहुत सारे बल्क के तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं बताया कि कितने लोग काम करते हैं अगला ऑप्शन है इंडियन इंप्लाइज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री विदाउट वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम चाइना ये देखिए ये तीनों एज इट इज एक ही स्टेटमेंट दी गई है ठीक so है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू एंड फोर सो so स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में पेपर टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज लेवल में जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा हट के पेपर कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम आता है सो so इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के नोट्स एंड एमसीक्यूज हैं जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है ये सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एंड ये स्टडी मटेरियल आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है सिर्फ एक ही बार इसकी फीस देनी है जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप हमेशा के लिए इसका फायदा उठा सकते हो इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लीजिए ओके सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इस सीरीज के 2022 के उनको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे सो so आप इस सेशन में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी